दोस्तों अस्सलाम वालेकुम भाई। 3-4 दिन से वीडियो ना बनाई, आज एक वीडियो शूट करी ही मैंने। मतलब अच्छी बात है, बुरी बुरी ना है। जब बुरी चीज़ ने डालो तो तुम मतलब देखो भी और नू भी कहो कि इन्हें मत डाला करे। आज मैंने अच्छी चीज़ शूट करी है खुद ना, और यह वीडियो तुम देखियो ठीक है भाई। यम दंग हुआ जो उनके ऊपर बातचीत हो रही, तो न्यूज़ चैनल वाला आया पड़ा हुआ शूट कर रहा, तो मैं भी हूँ मोबाइल निकाल के मैंने भी शूट करने लग गो। तो वीडियो देखो भाई, बहुत बढ़िया वीडियो, ऐसे ना कोई उल्टी सीधी वीडियो ना, और उल्टी सीधी वीडियो अब डाला करूँगा बिना यार, जो डाल दी खैर, अब डालूँगा तो अब बढ़िया वीडियो डालूँगा, ना तो ना डाला करूँगा। 3 दिन में आज डाली है मैंने, डाली ना 3 दिन से वीडियो ही ना डाली खुद ने अपने मन से। तो तुम वीडियो देखो पूरी पहले, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो हमारे भाई हैं, मैं तो ये अर्ज करूंगा कि कहीं पर भी, हमारी दिल्ली नहीं, हमारा इलाका ही नहीं, जहां भी पूरा हिंदुस्तान बसता है, तमाम लोग इत्तिफाक इत्तेहाद और यकजहती के साथ रहे। हमारा कुछ नहीं बट रहा, हम मुल्क में सब आराम से रह रहे हैं, चैन और सुकून के साथ रह रहे हैं। और जैसा हमारे इलाके में हो गया हमसे पहले, जिससे हमारी बदनामी दूर दूर तक हुई, मैं ये अपील और गुजारिश करूंगा कि ऐसा कहीं पर भी कोई वाकया कभी ना आए, और अल्लाह करे कि हमेशा अमन और चैन और सुकून के साथ लोग जिंदगी गुजारे, खाए कमाए और सारे काम करे। और अपने इलाके वासियों से भी, जो हमारे इलाका जमुना पार के लोग हैं, वो जो है हमेशा अपने सुख चैन और अमन के साथ रहें, खाए कमाए और मुल्क की तरक्की में बराबर के शरीक रहें। और अगर हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो वो बदमनी होती है और वही हाल होता है जो असर हमारा हुआ है। लिहाजा सब लोग मिलजुल कर मुल्क के लिए, अपने तमाम उसके हिंदुस्तान के लिए काम करें, रहें और अपने खाए पिए मौज लें। इससे लड़ाई झगड़ा फसाद इससे हमेशा दूर रहे, मेरी अपील है। किसी बहाने से किसी के ऊपर भी कोई हमला ना करें, हम सब भाई भाई हैं और उसी को हमें निभाना है।